Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ने मंगल को हैदराबाद के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की है। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर्स को चेंबर्स में बैठने के बजाय बाहर निकलने और आवाम के दरमियान रहकर काम करने की हिदायत जारी की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मंगल को वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इसमें तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, SPs और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की थी। वजीर आला ने अवामी हुक्मरानी, धरनी पोर्टल के मसाइल, खरीफ सीजन में काश्तकारी, सेहत आमा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन व अमान और दीगर मसाइल पर ये इजलास तलब किया था। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के जरिए शुरू किया गया हर काम अवाम को ये याद दिलाना चाहिए कि ये अवाम दोस्त हुकूमत है। उन्होंने फलाह व बहबूद और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने पर जोर दिया और कहा कि ये जिम्मेदारी कलेक्टर्स पर आयद होती है और वो इसके लिए फील्ड विजिट लाजमी करें। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स को मशवरा दिया है कि वो अपने दफातर से बाहर निकलें और अवाम के दरमियान रहकर काम करें। भारत राष्ट्र समिति के MLA हरीश राव ने कर्ज मुआफी के लिए जारी किए गए रहनुमायाना खतूत को बदतर करार देते हुए हुकूमत से उन खतूत को वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम के लिए कुछ रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। साबिक वजीर व BRS MLA हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन रहनुमायाना खतूत को बदतर करार दिया और कहा कि हुकूमत खानदानों में दरारें डालने का काम कर रही हैं, क्योंकि एक खानदान के पास ज्यादा पासबुक तो है लेकिन राशन कार्ड सिर्फ एक ही है। उन्होंने किसानों के साथ किसान जैसा सलूक करने का मशवरा दिया और राशन कार्ड की शर्त को खत्म करने का मुतालबा भी किया। हरीश राव का कहना है कि अगर PM किसान के रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जाता है तो इसका मतलब है कि 60% किसानों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा और ना तो वजीर आजम और ना ही वजीर आला किसानों के कर्ज माफ करेंगे। ఇల్లు కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, లేదా ఒక ఆసుపత్రి ఏదైనా అత్యవసరం బట్టి దవాఖానకు ట్రీట్మెంట్ కోసం డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి. బ్యాంకులు ఆయన అప్పు తీసుకోవాలంటే పాత అప్పు క్రాప్ లోన్ తక్కువ ఉంటుంది, 40,000 50,000 కట్టేసి, 100,000 కట్టేసి ఆయన కొత్తగా అప్పు తెచ్చుకుంటే నువ్వు ఆల్రెడీ క్రాప్ లోన్ కట్టేసినావు కదా, నీకు రుణమాఫీ వర్తించదంటే ఎట్లా? ఇది కూడా ఆలోచించి, ఇది ఎందుకంటే రైతును పాపం సానుభూతితో చూడాలి. రైతులు ఆయన ఈ పీరియడ్ లో మీరు అన్న పీరియడ్ లో కట్టి ఉన్నా కూడా క్రాప్ లోన్లు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా రుణమాఫీ చేయాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకో మాట ఏమన్నారు, JLG SHG FPO కౌలుదారులకు రుణమాఫీ వర్తించదు అన్నారు. జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇవి నిజానికి వీళ్ళని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇందులో ఎవరుంటారు ఎక్కువ? ఇందులో ఉండేటువంటి ఈ 4 గ్రూపుల్లో దళిత రైతులు, గిరిజన రైతులు, బలహీన వర్గానికి చెందినటువంటి రైతులు, చిన్న చిన్న కమతాలు ఉన్నటువంటి రైతులు ఇందులో ఉంటారు.
रियासती वजीर सीता अक्का ने आंगनवाड़ी मरकज में अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। जराए ने बताया कि आंगनवाड़ी मरकज में रियासती वजीर सीता अक्का ने सुपरवाइजर सुलोचना और मुकामी काउंसलर बी प्रकाश के हमरा अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा नामी प्रोग्राम का आगाज किया है, जिसके तहत 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम घर घर जाकर दर्ज किए जाएंगे और वालदैन को उन बच्चों को आंगनवाड़ी मरकज को रवाना की जाने की तरगीब दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई से रियासत भर में हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी मराकज में 2 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस मौके पर हामिला खवातीन, चीर खौर बच्चों की माओं को आंगनवाड़ी मराकज के जरिए फराहम किए जाने वाली खिदमात से भी आगाह किया गया है। दरियासना रियासती वजीर ने अहाता आंगनवाड़ी में शजरकारी भी की। भारत राष्ट्रीय समिति के अराकीन असेंबली ने कानून साज असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को एक अर्जी पेश करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के 10 अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने की मांग की है। तेलंगाना की अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति के अराकीन असेंबली का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीआरएस उन एमएलए को नाअहल करार देने का मुतालबा भी जारी रखे हुए है। मंगल को बीआरएस के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए केटीआर सबिता इंदिरा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, पद्मा राव गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी, माधव रामकृष्ण राव, राजशेखर रेड्डी, कलेरु वेंकटेश, मंगती गोपीनाथ, डॉक्टर कलवा कुंटला संजय और केपी विवेकानंद के अलावा तलासानी श्रीनिवास यादव व दीगर एमएलए ने बीआरएस एलपी के दफ्तर में इकट्ठे होकर पार्टी से इनहराफ और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों के मामले पर स्पीकर से मिलने से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बाद गुलाबी जमात के अराकीन असम्बली पर मुश्तमिल वक्त ने स्पीकर गदम प्रसाद कुमार से मुलाकात की और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों और पार्टी से इनहराफ करने वाले अराकीन असेंबली को नाअहल करार देने के लिए एक अर्जी पेश की। स्पीकर से मुलाकात के बाद केटीआर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमने स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पार्टी इनहराफ के मामले पर 3 माह में फैसला करने की अपील की है। उन्होंने याद दिलाया कि मणिपुर में कांग्रेस के एक एमएलए को पार्टी तब्दील करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर ही मुअत्तल किया गया था, लिहाजा स्पीकर से भी पार्टी इनहराफ के मामले पर 3 माह में फैसला करने की दरख्वास्त की गई है। केटीआर ने तंज करते हुए कहा है कि बड़े भाई मोदी और छोटे भाई रेवंत रेड्डी का अंदाज यकसा है, पार्टी तब्दील ना करने वाले कायदीन को पुलिस धमका रही है। ఎంత దారుణంగా ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో పరిస్థితి అంటే పేర్లు చెప్పను ఆ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో డిఎస్పీలు ఫోన్ చేసి మీరు మారండి మారకపోతే మీకు ప్రాణగండం ఉందని కొంతమందిని భయపెట్టారు. స్వయంగా పోలీసు అధికారులు ఫోన్ చేసి ఇవాళ భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా చేస్తున్నారు. ఇవాళ బీజేపీ చేస్తేనేమో వాషింగ్ మెషిన్ అంటారు. పాపాలు చేసిన వాళ్ళు అందులో పోతే పాప ప్రక్షాళన జరిగి బయటకు వచ్చిందని మాట్లాడుతూ ఉన్నారని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆక్రోషిస్తుంది. వేరే రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తీసుకుంటే మర్డర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంటారు, కానీ మరి ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నది ఏంటి అని వారిని అడిగితే సమాధానం రాదు. కానీ వారు చేస్తున్నది కూడా సేమ్ పని. ఏం చేస్తున్నారు? కొంతమంది మీద కేసులు, విజిలెన్స్ దాడులు. మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిల్డింగ్ పొలగొట్టినారు, మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాలేజ్ బిల్డింగ్ పడగొడతారు, మల్లారెడ్డి గారి ఆస్తుల మీద పోయి వాటిని ధ్వంసం చేస్తారు, కొంతమందిని డైరెక్ట్ గా మీకు ప్రాణగండం ఉందని భయపెడతారు, కొంతమందికి బిజినెస్లు ఉంటాయి ఆ బిజినెస్లో విజిలెన్స్ వాళ్ళని పంపించి ఇంకా ఇతరత్ర సంస్థలను పంపించి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నాలు. ఎవరన్నా నిర్మాణ రంగంలో ఉంటే వారిని జీఎంసీ ద్వారా హెచ్ఎండిఏ ద్వారా భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం. ఇవాళ బడేబాకి చూడబాకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. బెస్ట్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సర్బరా ఏఐఎంఐఎం వో ఎంపీ హైదరాబాద్ నే అఖిలతంకో నిశానా బనానే కే లియే షర్ పసంద్ అనాసిర్ కీ हौसला अफजाई करने पर महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे क्यादत वाली हुकूमत पर तनकीद की है। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों ने एक मस्जिद पर हमला किया है और कई अखिलियतों के मकानात को भी निशाना बनाया गया है। बैस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोल्हापुर की एक मस्जिद और मुसलमानों के घरों पर हमलों को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में
मजम्मत की है। बेस्ट ओवैसी ने शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई करने पर महाराष्ट्र हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस की जानिब से अब तक मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। बेस्ट ओवैसी ने पूछा है कि क्या अखिलियतों और मसाजिद पर हमला करना तीसरी बड़ी मैशियत और विश्व गुरु बनने का रास्ता है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गया जानी मांगों को, जो वहां पर मुसलमानों के घर थे घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशा ही बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से, इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी बातें कर रहे हैं? डिलीबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की, इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी थी। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए, कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमदुल्ला खान खालिद का कहना है कि बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ACB DGP CV आनंद का तबादला करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम को जवाब दे हैं। हमदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत में IAS IPS अफसरान के बार बार तबादले किए जाने पर कहा कि बार बार तबादला करना इंतजामिया को मुतासर कर रहा है, कई अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं और न ही प्रोग्रामों का निपास हो पा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत की तब्दीली पर तमाम महकमों के सरबराहान के तबादले करना हिजबे मामूल है, लेकिन बार बार तबादले करप्शन को बढ़ावा देंगे। UP और बिहार की तर्ज पर ये हुकूमत को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। अमजदुल्ला खान खालिद ने ACB के DGP के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले IPS CV आनंद का तबादला करने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस अमल से एक गलत पैगाम गया है। उन्होंने कहा कि CV आनंद ने डायरेक्टर जनरल ACB के तौर पर अपने 6 माह के दौर में बदउनवान अफसरान में खौफ पैदा किया और मस्कुरा अफसर यानी CV आनंद की तारीफ करने के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनका तबादला कर दिया और बदउनवान अफसरान को वाज़ह पैगाम भेजा कि वो बदउनवानी करने के लिए आज़ाद हैं। अमरुद्दौला खान खालिद का कहना है कि CV आनंद का तबादला करते हुए बदउनवान अहदेदारों को ग्रीन सिग्नल देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम के सामने जवाब दे हैं। उन्होंने कहा है कि MBT पार्टी की जानिब से वो मुतालबा करते हैं कि CV आनंद को ACB का ओहदा वापस सौंपा जाए और पूरी इंतजामिया को बदउनवानी से पाक बनाने के लिए उन्हें आजादाना इख्तियार दिए जाएं। पिछले 6 महीने का आप उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। CV आनंद आने से पहले कभी एंटी करप्शन इतना एक्टिव नहीं था। एक ज़माने में AK खाबी कमिश्नर थे, ACB के डायरेक्टर जनरल थे और कई अच्छे दयानतदार ऑफिसर्स आकर वहाँ पर करे, लेकिन ये 6 महीने में मैं दलील के साथ कह सकता हूँ और मेरी बात की सारी तेलंगाना अवाम इस बात की तायद करेंगी कि CV आनंद जब से एंटी करप्शन पे आए थे सबसे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर्स को जो गिरफ्तार करे
के इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को, सब इंस्पेक्टर जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिसर्स से जो रंगे हाथ घट रहे थे, तो उसके बाद में बलदिया में कई ऑफिसर्स को पकड़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर्स को पकड़े। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आने से शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिखर रहा है, और एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एसीबी में आने से जो है बेहतरीन कारकर्दगी हो रही है, जिसके लिए मैं सलाम करता हूँ। लेकिन अचानक मैं उस दिन बड़ा अफसोस हुआ कि सीवी आनंद साहब का ट्रांसफ़र करके उनको विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी साहब ये मैसेज दे दिए, करप्ट ऑफिसरों को ये मैसेज दिए कि ये गो ऑन डूइंग करप्शन, और हम जो है ऑफिसर्स को आपके तब्दील कर दिए। चाहे आप कोई भी स्कैंडल बोल लीजिए, तो उनको बीआरएस के मिनिस्टर्स के ऊपर, साबिका मिनिस्टर्स एमएलएस या मौजूदा एमएलएस है, या खुद केसीआर के ऊपर इंक्वायरी करते हुए हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल को भेजेंगे, आप बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप सी वी आनंद का ट्रांसफ़र करके आप खुद एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आप ये मैसेज दे रहे हैं कि देर इज़ नो प्लेस फॉर एक दयानतदार ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर, स्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए तेलंगाने में कोई जगह नहीं है। तो आखिर ये क्या चल रहा है कि ये ट्रांसफरों की वजह से ये हो रहा कि गवर्नमेंट का कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रजा पालना के अफामा भरे हुए है, आज की तारीख तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप जो है अवाम के लिए जवाबदेह है कि वाई यू हैव रेवंत रेड्डी इज आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ तेलंगाना, कि वाई एन एफिशिएंट, एक ईमानदार ऑफिसर जो एंड जो करप्ट ऑफिसरों को पकड़ रहा था, उसका ट्रांसफ़र क्यों किया गया, वाई सी वी आनंद हैज बिन ट्रांसफर। ये रेवंत रेड्डी पब्लिक में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर्स या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप इसका नोट लेते हुए इनसे ये पूछना चाहिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबदा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने बीबी के आलम पर ढट्टी पेश की और शहदाए करबला को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। जराए ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने सीईओ लियाकत हुसैन और वक्फ बोर्ड के अमले के साथ पुराने शहर के दबीरपुरा इलाके में अलावा बीबी का दौरा किया। इस मौके पर बीबी के आलम पर उन्होंने ढट्टी पेश की और शहदाए करबला को खिराज अकीदत दिया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का भी तफसीली जायजा लिया। वाज़ह रहे कि 17 जुलाई 10 मुहर्रम को तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाएगा। सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने तमाम महकमों को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए जुलूस के इनेकाद को कामयाब बनाने और अकीदतमंदों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करवाने की हिदायत दी है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलसी मिर्जा रहमत बेग ने पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के 15 इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की कुल मालियत 4,30,000 रुपये बताई गई है।
हज हाउस नामपल्ली से मुतासिल इमारत जिसकी तामीर के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए खस्ता हाली का शिकार है। इमारत के सलार में जमा आलूदा पानी की अदम नकासी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रही है जो सेहत के लिए नुकसानदा है। हज हाउस नामपल्ली से मुतसल गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स की इमारत का साल 2009 में 22 फरवरी को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला आनजहानी राजशेखर रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए ढांचा तैयार करवाया था। तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर ने इमारत की तकमीली के लिए 2023 के इंतखाबात से कबल मुसलमान राय दहिंदों को रागब करने के लिए सिर्फ 23 करोड़ रुपये मंजूर करवाए और बिल्डिंग की मुकम्मल तामीर किए जाने की तख्ती वहां नस्ब करवाई गई। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल ये इमारत नहायत ही खस्ता हाल है। गंदा और गैर सेहतमंद माहौल पाया जा रहा है। गंदे आलूदा पानी की नकासी नहीं हो रही है जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। दूसरी जानिब सैलार में मौजूद गंदा पानी इमारत की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वाज़ह किया है कि बीआरएस ने इंतखाबात से कबल इमारत की तामीर करवाने का ऐलान करते हुए मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन हकीकत यह है कि बिल्डिंग के तामीराती काम जों के तों बरकरार है और इसके तामीराती कामों के लिए वक्फ बोर्ड को कोई बजट भी जारी नहीं किया गया था। आपको ये भी याद दिला दें कि केसीआर के 10 साल हुकूमत में कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन जैसे उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, उस्मान मोहम्मद खान व दीगर ने इस इमारत का बारहा दौरा किया, तामीराती काम शुरू करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के बरसर इख्तदार आने के बाद से ये अखिलियती कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एहतजाज करना तो दूर की बात है, उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी नहीं की, ना ही हुकूमत के अखिलियती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को इस जाने तवज्जो दिलाई गई। मुगलपुरा पुलिस हदूद में रात देर गए ऑपरेशन चबूतरा के तहत पुलिस ने घरों से बाहर नजर आने वाले लोगों पर लाठियां चलाई। शहर में जराइम की वारदातों में इजाफे के बाद हरकत में आई हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा, गाड़ियों की तलाशी मुहिम व दीगर इकदाम जारी हैं। कल रात देर गए मुगलपुरा पुलिस हदूद में इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने ऑपरेशन चबूतरा के तहत मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। इस दौरान उन्होंने उम्र का लिहाज किए बिना घर से बाहर निकलने या फिर घरों के सामने खड़े लोगों से वजह जाने बगैर ही बेदर्दी से उन लोगों पर लाठियां बरसाई। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की इस जारहाना कार्रवाई का वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद से शहरियान हैदराबाद में नाराजगी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मुगलपुरा पुलिस इंस्पेक्टर की इस हरकत की मजम्मत कर रहे हैं और आला अहदेदारों से शहरियों पर लाठियाँ चलाने वाले इस इकदाम का नोट लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी दहशतगर्दों ने एक मस्जिद और दरगाह को अपना निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। संभाजी राज छत्रपति की तजावजात हटाओ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हिंदुत्ववादी इंतहा पसंदों ने कोल्हापुर के गाजापुर गांव की मस्जिद और दरगाह पर हमला किया। शरपसंद अनासिर जेएसआर के नारे लगाते देखे गए, वो रजा जामा मस्जिद में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और कुरान मजीद को नजर आतिश किया, बाद अजाम मस्जिद को भी आग लगा दी। इतना ही नहीं दरगाह मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह को भी शरपसंद अनासिर ने अपना निशाना बनाया। जेएसआर के नाम पर मस्जिद और दरगाह पर हमला कर शर अंगेजी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।
अलवाल पुलिस ने इज्तिमाई असमत दरी मामले में दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अलवाल पुलिस हदूद के वेंकट राव लेन के करीब जबरदस्ती शराब पिलाकर खातून के साथ इज्तिमाई असमत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया था। पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दो अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि खातून खानदानी तनाजे के चलते अलवाल पुलिस से रुजू हुई थी और एक शिकायत दर्ज करने के बाद बजरिए ऑटो वापस लौट रही थी कि उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की गई। पुलिस ने दो मुलजमीन को गिरफ्तार किया है जबकि दीगर दो मफरूर मुलजमीन की तलाश में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े कृष्णा मोटर मल्टी ब्रांड बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम की जानिब से तमाम बैंक्स के इश्तराक से 90% खर्च की पेशकश फराहम की जा रही है। कृष्णा मोटर मल्टी ब्रांड बाइक एंड इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम वाक़े घोड़े की खबर रूबरू नरेंद्र स्वीट्स पर शहरियान हैदराबाद के लिए खसूसी पेशकश दस्तियाब है। कृष्णा मोटर के मालिक नितिन ने बताया कि इनके यहाँ हम अकसाम की मोटरसाइकिलें जैसे बुलेट एक्टिवा के अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह दस्तियाब हैं और उनके शोरूम से ख़रीदारी करने पर 90% खर्च की पेशकश भी दी जा रही है। उनका कहना था कि उनके शोरूम पर गाड़ियां बगैर चेक के एक्सचेंज करने की सहूलत भी दस्तियाब है। नितिन ने मीडिया को तमाम तर तफसीलात बताते हुए आवाम से इस खसूसी पेशकश से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मालूम के लिए फ़ोन नंबर 9848 2500 09 या फिर 9059498214 पर रक्त करने की ख्वाहिश की गई है। नाम नितिन है। हमारा मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम है मंगल हाट के ऊपर, जो हर होंडा बुलेट चेतक बजाज टीवीएस आईक्यूब हर गाड़ी डील करते हैं सर। हम लोग मल्टी ब्रांड शोरूम ऑल बैंक फाइनेंस करते हैं और आपकी पुरानी गाड़ी लाके नया गाड़ी ले जा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर भी हमारे पास अवेलेबल है और आपको फाइनेंस अप टू 90% होगा। जो आप टीवीएस की आईक्यूब भी ले सकते हैं, बजाज की चेतक भी ले सकते हैं, होंडा भी ले सकते हैं, बुलेट भी ले सकते हैं, सुजुकी बर्कमैन भी ले सकते हैं, एक्टिवा गाड़ी भी ले सकते हैं, पल्सर भी ले सकते हैं। आपको अगर हमारे शोरूम में आएंगे तो आपको एक गाड़ी के एक शोरूम में आएंगे तो आपको चार दुकान फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों गाड़ियों के कोटेशन हमारी दुकान में आपको मिल जाएंगे और बहुत रीजनेबल रेट में लगा के देंगे आपको, और हमारे पास चेक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और एक्सचेंज ऑफर भी अवेलेबल है हमारे पास और अप टू 90% फाइनेंस होता है हमारे पास। हम ऑल बैंक से डील करते हैं सर, अप टू 90% फाइनेंस होगा आपको। मंगलाट घोड़े की खबर पे हमारा स्टोर है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 9848250009। जी हर कलर का गाड़ी मिल जाएगा सर जो शोरूम पर आपको, जैसे कि टीवीएस चाहिए तो टीवीएस मिल जाएगा, टीवीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिल जाएगा सर, टीवीएस मिल जाएगा, बजाज चेतक मिल जाएगा, होंडा एक्टिवा मिल जाएगा, बर्कमैन मिल जाएगा, पल्सर मिल जाएगा आपको, बुलेट गाड़ी मिल जाएगी आपको। जो मॉडल की गाड़ी अवेलेबल है, चाहे जो कौन सी भी कंपनी की आप गाड़ी लेना चाहे तो आ सकते हैं। होंडा चाहिए तो होंडा आ सकते हैं, चेतक चाहिए तो चेतक, हीरो तो हीरो, सुजुकी है तो सुजुकी, टीवीएस है तो टीवीएस, यामाहा है तो यामाहा, बुलेट चाहिए तो बुलेट। आप उनकी गाड़ी एक्सल 100 से लेकर बुलेट तक हर गाड़ी हमारे शोरूम पर मिलेंगी सर। आप एनी टाइम हमारे शोरूम पर आ सकते हैं। शोरूम का टाइमिंग है हमारा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.